नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं, क्या क्या लेके आए हैं? सबसे पहले लीड को हम कैसे हम जानेंगे कि कौन सा लीड क्या पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट कौन सा है उसके बारे में। उसके बाद हम इस लीड को हम यदि जोड़ेंगे डायरेक्ट तो ये फ्यूज हो जाएगा। उसके लिए कितना का रेजिस्टेंस जोड़े और कितना वाट का जोड़ेंगे उसके बारे में जानकारी लेके आए हैं। और उसके बाद हम इसको सीरीज में, लीड को हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है, तो यदि हम करंट दो ठो लीड ले लिए जिसका करंट फर्क फर्क है तो उसमें क्या होगा आप उसके बाद जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो लीड को हम यदि पैरेलल में जोड़ेंगे लेकिन डिफरेंट वोल्टेज का जोड़ेंगे तो उसका क्या होगा उसके बारे में जानकारी लेके आए हैं। उसके बाद हम आपका ये पावर इंडिकेटर, जब कोई पावर देते हैं किसी में तो वो जब लीड बलता है तो हम जान देते हैं कि इसमें पावर आ गया। जब जैसे में हम टीवी में लाइन देते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे लाइट बल रहा है, तो उस लाइट को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि मान लीजिए हम पॉजिटिव के सटा में यदि नेगेटिव दे दिए तो ये लीड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, तो रिवर्स बायस यदि ज़्यादा हो जाएगा तो लीड उड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसको हम कैसे बचाएंगे उसके बारे में भी लेके आए हैं। और लास्ट में ये सेवन सेगमेंट जो कि आप कैलकुलेटर में देखते होंगे लिखा रहता है डिजिटल अंक में प्राइस, वो कैसे इंडिकेट करते हैं लीड उसके बारे में हम जानकारी लेके आए हैं। तो अब चलिए डिटेल में। तो सबसे पहले हम चलते हैं लीड के बारे में। तो लीड का पॉजिटिव पॉजिटिव जोन सा लेग होता है वो बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। तो अब एक बात होगी कि नया होगा तो आपका इसका जो लेग होगा वो बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन यदि यूज करने के बाद तो छोटा बड़ा नहीं होता है तो कैसे जानेंगे? तो ये भीतर देखिएगा आप, तो ये जो इसका छोटा है वो पॉजिटिव होगा और इसमें ये निगेटिव जैसा ऐसा बना हुआ है वो आपका माइनस है, ऐसे बुझेंगे। ये भीतर भी देख के आप सबसे अच्छा ये भीतर देख के आप बुझेंगे, छोटा वाला है पॉजिटिव है और निगेटिव भी आप जानते हैं ऐसे होता है, इसीलिए ये पॉइंट ऐसे होता है, तो आप जाइएगा कि लीड का ये पॉजिटिव और निगेटिव है ऐसे हम पता लगाएंगे। और उसके बाद सिंबल में आपका एनोड होता है जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं और कैथोड को हम निगेटिव मानते हैं। ये फॉरवर्ड बायस ये किस्म का ये डायोड है, तो डायोड का काम क्या होता है, इधर से आप प्लस देंगे तो इधर प्लस निकल जाएगा, तो आप ये बुझे कि प्लस एनोड है और ये कैथोड है। अब हम वाट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, तो वो स्केल से आप इससे यहाँ तक ले, यदि आप इसके लंबाई यदि नापेंगे, यदि ये लंबाई आपका 3 mm है, 3 mm बोले तो इसे 10 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। यदि स्केल से 0.3 सेंटीमीटर अथवा 3 mm है तो आप उसको बुझ जाइए कि 1/8 का वाट का वो रजिस्टर है। वैसे ही 6.5 यदि इसका लेंथ है उसे 10 से भाग कर दीजिए, सेंटीमीटर में हो जाएगा, चाहे 6.5 mm है तो ये होगा, तो 1.4 वाट का है। ऐसे आप लंबाई नाप के आप पता लगा सकते हैं, नहीं तो उसको
किनने के जब आप मार्केट से किनेंगे तो उस वक्त आपको वो बोलेंगे फसल वाला से, तो वो आपको वैसा ही दे देगा, तो आपको पता चल जाएगा। यदि नहीं था है तो इसको नाप के आप था लगा सकते हैं, और 5 वाट, 5 वाट से ऊपर आपका लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ तक ले आप ये लंबाई से आपको पता चलेगा। तो अब चलते हैं सीरीज पर। सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका रजिस्टर और वाट कैसे निकालेंगे, तो एक फिगर हम बनाते हैं सबसे पहले। तो एक ये लीड हुआ, इसका वोल्टेज 12 वोल्ट है, और ये रजिस्टर का हम हमारा वैल्यू पता नहीं है, और इसका वाट भी पता लगाएंगे। तो ये लीड मान लीजिए कि ये 3 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर इसका करंट लेता है। ये सब उस लीड लीड जब किनेंगे तो उस पर ये लिखा हुआ रहता है, इसके जब किनेंगे वो लीड तब था लगेगा। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये 3 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर का एक लीड है, तो हम इसको 12 वोल्ट में जोड़ेंगे तो रजिस्टर का वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट, ये 12 क्योंकि डिफरेंस लेना पड़ता है 12, और ये 3 वोल्ट -3 वोल्ट इक्वल टू आई, आई हो गया 20, ये मिली एम्पियर है, मिली के यदि आप चेंज कीजिएगा तो 10^-3 अथवा 1000 से भाग कर दीजिए तो इतना हो जाएगा। और आर, तो आर इक्वल टू हो गया है ये 12 9, और इसको 1000 से यदि भाग कर देंगे तो आपको 0.02 होगा, तो इसको भाग कीजिएगा तो आपका आएगा 450 ओम। तो ए रजिस्टर का वैल्यू हो गया 450 ओम। और वाट कैसे निकालेंगे, तो वाट को बोलते हैं पावर। पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। तो वोल्टेज कितना है, ये 12 -3, तो 9, ये डिफरेंस हो गया 9, और आई हो गया 0.02, क्योंकि 20 मिली एम्पियर का ये ऐसा होता है, 20 मिली एम्पियर का आप 1000 से भाग कर दीजिए तो ये मिली हर जाता है और 0.02 होता है, उसी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 0.18। इतना वाट का आपको रजिस्टर चाहिए। इतना वाट आप कैसे पता करेंगे, तो आप देखिए इधर 0.18 है, इसका मतलब 1/1/8 का आपका रजिस्टर लगेगा। तो ऐसे हम यहाँ से रजिस्टर का वैल्यू पता लगा लिए और उसका पावर पता लगा लिए। तो सीरीज में आप नॉर्मली ऐसे कर लेंगे, और हम इसको अब पैरेलल में जोड़ के देखेंगे। तो अब देखिए पैरेलल में हम जोड़ के देखते हैं इसको, एक ये मान लीजिए 5 वोल्ट का एक बैटरी है, और उसमें एक लीड यहाँ पे और एक लीड यहाँ पे, ऐसे हम लीड आपको 15 15 ठो जोड़ देंगे इसमें।
मान लीजिए ये 15 है और सभी 3 वोल्ट और 20 mA का है ये सभी, और इसको हम यहाँ पे जोड़ दिए, एक रजिस्टर यहाँ पे है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये रजिस्टर का वैल्यू कितना होगा और कितना वाट का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि पैरेलल में करंट फरक फरक होता है, इसमें करंट, इसका करंट और इसका करंट, सभी में फ़र्क होगा। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट ये 20 mA का एम्पियर में चेंज करेंगे तो 0.02, और इसका जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी है, वैसे 15 है तो 0.02 15 हुआ, तो इसीलिए 15 से मल्टीप्लाई सीधे कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा आपका 0.3 एम्पियर। तो आर निकालने के लिए वी बाई आई हुआ, तो वोल्टेज कितना है 5 IA, इसका सभी में ये 3-3 वोल्टेज है तो 5 - 3, और करंट कितना है, टोटल करंट 0.3, तो आर का वैल्यू हो गया 6.8 ohms। तो इतना ओम्स का नहीं भेटेगा, तो आपका नियरली कितना ओम्स तक भेटेगा वो आप लेके जोड़ेंगे, तो 10 ओम्स मान लीजिए। और इसका हम पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू होता है वी आई, वी हो गया ये 5 - 3 और आई हो गया 0.3, तो कितना हो गया 0.6 वाट। और ये नज़दीक में किसका है, तो हाफ वाट के, क्योंकि हाफ वाट का मतलब होता है 0.5। तो हाफ वाट के रजिस्टर आप 6.8 ओम बोलिए चाहे 10 ओम के रजिस्टर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो आपका लीड बलेगा। तो अब चलते हैं, एक हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें होगा, अब एक हम लेंगे उसमें सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा, तो कैसे हम इसके हिसाब करेंगे। तो देखिए एक 12 वोल्ट का बैटरी है, उसमें एक रजिस्टर लेना है, कितना के लेंगे, उसमें एक 2 लीड एक ही में लगा हुआ है, ये लीड ऐसा, हम लीड आपको 8 जोड़ेंगे इसमें, तो इसका रजिस्टर वैल्यू कितना होगा और कितना वाट का होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो है, ये है आपका सीरीज में, तो सीरीज में इस सभी रजिस्टर का वैल्यू 3 वोल्ट 20 mA का है मान लीजिए, तो ये हो गया 6 वोल्ट। तो इसको हम सीधा सीधा यदि हम बनाएंगे, दूसरा में हम लेके चलते हैं, तो देखिए ये 12 वोल्ट का था और 2 लीड यहाँ पे था, तो वो 2 लीड एक ही वोल्टेज होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप 3-3 वोल्टेज था, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट हाँ। और करंट होगा, इसका करंट, क्योंकि करंट इसमें वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप फरक फरक होता है, तो इसीलिए 6 वोल्ट हो गया। करंट सेम होगा क्योंकि ये सीरीज में करंट, आपका करंट सेम होता है और वोल्टेज फरक फरक होता है, इसीलिए
इसमें वोल्टेज फिक्स हो गया, करंट सेम हो गया, तो ऐसे ही इसको हम हिसाब करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट है, आर इज इक्वल टू हो गया वी बाई आई, तो वी हो गया 12, और इसमें 3 वोल्ट और इसका 3 वोल्ट हो गया 6 वोल्ट, क्योंकि अब ए हो गया, एक होने के बाद ये सब पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो इसीलिए ए 6 हो गया। और करंट, करंट क्या होगा, तो ये टोटल करंट, यहाँ पे जो करंट जाएगा तो एक ही करंट जाएगा, यहाँ 20 मिली एम्पियर है, ये 20, इसमें 20 नहीं जाएगा, क्योंकि सीरीज में एक ही करंट बगता है, ये भीतर का सीरीज हुआ ना था, तो सीरीज हुआ इसीलिए 0.02, लेकिन कितना है 8 है, तो यहाँ पर 0.2, यहाँ I2 करेंट, I3 करेंट, ये सब जुट के 8 होगा, इसीलिए ये 8 हो गया, और 6/0.16, तो इसका हो जाएगा 37.5। और वाट के बात बोले तो वी आई, तो वोल्टेज यही होगा 12 माइनस 6, तो 6 I हो गया 0.16, तो ये हो जाएगा 0.96 वाट। तो ये नॉर्मली 1 वाट के नियरली हुआ, तो ये 1 वाट का लगेगा, और 37.5 ओम्स का रजिस्टर लगेगा। यदि सीरीज पैरेलल दोनों हुआ तो ये रजिस्टर का वैल्यू आपका 1 वाट और 37.5 ओम्स का रजिस्टर होगा। तो अब चलते हैं कि यदि यदि मान लीजिए यह है 10 वोल्ट का और एक लीड है आपका, ये मान लीजिए रेड रेड लाइट है और ये है ब्लू, मान लीजिए ये 2 वोल्ट का है और 20 मिली एम्पियर का है, और ये 3 वोल्ट का है और 30 मिली एम्पियर का है, तो इसमें आप जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप फर्क होता है और करंट करंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये बिजली ए लाइट का 20 है, ये 30 है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हमको रजिस्टर जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे वी बाई आई करेंगे, और वोल्टेज हम 10 और इसका 3 माइनस 2, और आई हम अब आई तो सेम बोलते हैं, तो हम 20 लेंगे कि 30 लेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूज है, तो सबसे लो होगा वही लेंगे 20 मिली एम्पियर 3, तो इसका हो जाएगा आपका 250 ओम्स। अब बोलिएगा कि हम 30 लेंगे तो क्या होगा, तो 30 लेंगे तो ये ज़्यादा करंट होगा, तो ये रजिस्टर का वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आर के वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, तो हम यदि ए वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो रजिस्टर का वैल्यू कम हो जाता है, तो हम यदि 30 ओम्स के 30 मिली एम्पियर लेंगे तो इसमें भी 30 मिली एम्पियर का करंट चलेगा, लेकिन इसका लिमिट 20 है, तो ए लीड डैमेज हो जाएगा। और हम यदि 20 मिली एम्पियर को लेके चलते हैं तो ये थोड़ा डिम चलेगा लेकिन डैमेज नहीं होगा, तो ऐसे में आप सब पर जो लो लिमिट का करंट है उसको लेके आप चलेंगे तो सेफ होगा। दूसरा, यदि एक मान लीजिए एक 10 वोल्ट का है और एक लीड यहाँ पे है, दूसरा लीड यहाँ पे है और
तीसरा लीड मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये 3 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट, ये मान लीजिए 2.5 वोल्ट, ये 30 मिली एम्पियर, ये 20 मिली एम्पियर और ये 10 मिली एम्पियर के इसका करंट लिमिट है। तो आप जानते हैं कि पैरेलल में ए वोल्टेज सेम होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क है। तो आप इसमें रजिस्टर का वैल्यू कैसे लेंगे? तो करंट तो आपको ए टोटल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 30, 20, 50, 10, 60 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये तो करंट फर्क फर्क होता है, जानते हैं, तो ठीक है। वोल्टेज अब किस को लेंगे? यदि वोल्टेज हम ये 3 को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों लीड डैमेज हो जाएगा। तो हम इसको सबसे कम कौन है? 2 वोल्टेज। तो 2 वोल्टेज लेके चलेंगे तो रजिस्टर का वैल्यू आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसमें भी 2 वोल्टेज ही ड्रॉप होगा, इसमें भी 2 वोल्टेज ही ड्रॉप होगा। तो ये थोड़ा डिम चलेगा लेकिन उड़ेगा नहीं। 3 वोल्टेज लेंगे तो ये दोनों श्योर उड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए यदि पैरेलल में यदि वोल्टेज फर्क है तो सबसे लो वोल्टेज किसका है उसका मान के चलिएगा, तो रजिस्टर का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका लीड डैमेज नहीं होगा, नहीं तो लीड हो जाएगा फंसा फुस फुस। तो अब हम चलते हैं यदि हम पावर इंडिकेटर कैसे हम यूज करेंगे। तो सिंपल है, यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई भी वोल्टेज है, मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो आपका एक यहाँ पे मान लीजिए स्विच है, यहाँ पे एक हम लीड जोड़ देते हैं और यहीं पे हम कोई एक लोड देते हैं। मान लीजिए कि कोई भी इंडिकेटर है, टीवी हो चाहे जो भी हो, उसका लोड यहाँ से हम देंगे पावर का। मान लीजिए फेज लाइन दिए, चाहे बैटरी से दे चाहे जिससे दे, यहाँ से देंगे और इसको हम ऐसे जोड़ दें तो लोड चलेगा। तो उसी टाइम पे यहाँ पे लीड का भी वोल्टेज जाएगा, रजिस्टर उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा कितना का लीड है। तो यहाँ पे आपका लीड भी चलेगा, यहाँ पे जब भी ऑन कीजिएगा तो ये चलेगा, तो उसी टाइम पे पैरेलल में है, यहाँ पर भी वोल्टेज आएगा और ये लीड बलेगा तो आपका लग जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है चल रहा है। तो उसका लिए इंडिकेटर यहाँ पर ही लोड के पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा। अब चलते हैं कि वो लीड जब हम जोड़ते हैं, ये मान लीजिए 5 वोल्ट का है और हम इसको एक लीड जोड़ दिए, ठीक है, ये जोड़ दिए तो ये चल रहा है। मिस्टेक से ये 5 वोल्ट हमको ये ऊपर प्लस था, अब हम मिस्टेक से इसको माइनस में जोड़ दिए, इसको प्लस में जोड़ दिए, तो हमारा लीड 5 वोल्ट, ये तो 3 वोल्ट तक होता है, तो ये लीड क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। उस डैमेज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इस लीड के पैरेलल में एक डायोड जोड़ देंगे। जब भी इधर प्लस होगा तो ये लीड यहाँ पे रिवर्स होगा, तो ये डैमेज होने से पहले ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड हो गया, इससे यहाँ पे करंट बग के आपका ये लीड का प्रोटेक्ट कर देगा। तो इसमें पैरेलल में यदि आप एक डायोड जोड़ देते हैं तो आपका प्लस जोड़िए चाहे माइनस जोड़िए, यदि प्लस प्लस यदि प्लस जोड़ेंगे तो लीड बलेगा,
यदि उल्टा जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो ये बलेगा ही नहीं। ऐसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे। सेवन सेगमेंट के लिए तो सिंपल है, सबसे पहले हम एक फिगर बना देते हैं। जैसे में एक लीड हुआ, ये यदि हम चलाएंगे तो ये लिखेगा, और दूसरा लीड है जो बी लिखेगा, और ऐसे करके जी तक लिखना पड़ेगा, तो सेवन सेगमेंट आपका चलेगा। तो कैसे, तो देखिए कोई भी लेटर लिखने से पहले आपका ए पॉइंट ए आप कैलकुलेटर में देखिएगा तो ऐसा आपको दिखाई देगा। इसी पॉइंट से आपका सभी लिखेगा। जैसे मैं ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। अब हमको सेवन लिखना है मान लीजिए, तो ए और ए और ए चलाएंगे तो सेवन लिखेगा। तो ए बी सी यदि लाइट बालेंगे तो हमको सेवन दिखाई देगा। यदि जीरो लिखना है तो ए ए ए ऐसे ऐसे ए सभी, तो ए बी सी डी ई एफ लाइट बालेंगे तो हमको जीरो उस पर दिखाई देगा। ऐसे हम सेवन सेगमेंट में हम डिस्प्ले बाल के हम जीरो से लेकर नौ तक हम डिजिट देख सकते हैं। हस, थैंक यू, धन्यवाद।